मोबाइल साइलेंट करना, ठीक है? हम भी अपना मोबाइल साइलेंट कर दे रहे हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। प्रॉपर दिखाई दे रहा है एलसीडी में ना? एलसीडी क्लियर आ रहा है? चलो ठीक है। खुलेगा कैसे एमएस वर्ड बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है? स्टार्ट मेनू, मेरा विंडो 10 है, ठीक है? 7 में जैसे, हाँ बताइए। बाहर में ध्यान दूँ? कितने सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, यहाँ पे टाइप कर दूंगा विन वर्ड, ठीक है? तो और एंटर मार दूंगा तो भी खुल जाएगा एमएस वर्ड, ठीक है? खुलेगा आप देखिएगा, ये देखिए खुलने लगा, ठीक है? अब ये खुल जाए तो फिर आगे देखते हैं। मैं इसको फिर से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? विंडोज आर दबाऊंगा, ठीक है? तो खुलेगा ये वाला रन बॉक्स, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना एलसीडी में? क्लियर आ रहा है? विन वर्ड कर दूंगा यहाँ पे, फिर एंटर मार दूंगा तो भी खुल जाएगा, ठीक है? एग्जाम में पूछा जाते हैं, ठीक है, कि विन वर्ड डॉट exe और एमएस वर्ड डॉट exe लंबा चौड़ा ऑप्शन रहेगा, पूछेगा कि किसको ओपन करने से खुलता है, रन बॉक्स में टाइप करके इंटर करने पे, तो लिखना विन वर्ड, ठीक है? और यहाँ से भी खुल जाएगा, स्टार्ट मेनू से भी, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर होगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए वर्ड एक्सेल सारा चीज़ें यहाँ पे है, हमको सिर्फ वर्ड अभी पढ़ने हैं, तो इसमें आएंगे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है? चलिए एक का है सामने दिख रहा है, ये मेनू बार है ना, होम, इंसर्ट, फाइल, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब मेनू बार इसको बोला जाता है, ठीक है? और इसको क्लिक किया तो ये जो खुलता है ये सब कमांड है, ठीक है? कमांड माने निर्देश, ठीक है? कि होम मेनू के अंदर कितने कमांड्स हैं, सब छोटा छोटा जो दिख रहा है ना ये सब कमांड है, ठीक है? इंसर्ट में क्लिक करूंगा तो ये सब कमांड है, ठीक है? इसको मेनू बार, मेनू का कलेक्शन है यहाँ पे, तो ये मेनू बार है, ये कमांड का कलेक्शन है तो कमांड बार कह दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब अभी क्लिक करता हूँ तो दिखाई देता है मेनू कमांड, ठीक है? यहाँ पे कर देता हूँ तो गायब हो जाते हैं, ठीक है? अब उसको लाना है तो कैसे, यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक मारूंगा तो आ जाएगा अपने आप, किसी भी मेनू पे जा करके डबल क्लिक मारेंगे ऐसे तो सो हाइड होगा, ठीक है? शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस F1, ये देखिए हो रहा है, ठीक है? तो ये मेनू बार है, ये पूरा कमांड वगैरह है, ठीक है? ये वाला जो सेक्शन है ना इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, ठीक है? यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे है क्विक एक्सेस, सो क्विक एक्सेस बार टूल बार बिलो द रिबोन, इसमें क्लिक करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर इसमें राइट क्लिक करके इसको करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे दो तीन ठो कमांड दिख रहा है, ठीक है? जैसे ये वाला बटन है, सेव का बटन है, ठीक है? अब इसको खोजने के लिए मैं यहाँ आऊंगा, इसमें क्लिक करूंगा तो सेव होगा ना, इससे बेहतर है कि यहाँ पे जल्दी से क्लिक कर दूंगा तो ये क्विक एक्सेस बार है, जल्दी से इसको एक्सेस हो जाता है, ठीक है? इसमें जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से चाहूंगा तो मैं हटा सकता हूँ, हट गया ना, फिर करूंगा तो हट जाएगा, ठीक है? यहाँ से ला सकता हूँ मैं, हटा सकता हूँ, ठीक है? ये देखिए आ गया, इसको और जानेंगे डिटेल में आगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप ले लाएंगे, हटेगा आएगा कैसे, ठीक है? एक मेनू बार हो गया, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना ऐसे, ये वाला पट्टी, ये है रूलर, रूल बार, ठीक है? यहाँ पे मैं माउस लाऊंगा, ठीक है? ऐसे इसको पकड़ के खींचूंगा तो बढ़ गया मार्जिन, ये वाला भी है रूलर, ठीक है?
रूलर कहाँ कहाँ होता है? एम एस वर्ड ए टॉप में और फिर लेफ्ट में, ठीक है, ये रूलर है। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है तो, या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रूलर हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये है स्क्रॉल बार। अरे यार रुकना, 2 सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, मैं कहाँ था भूल गया। ये रूलर बार है, ठीक है, यहीं पे था ना, ये हाइड सो होगा, ये वाला है स्क्रॉल बार, ठीक। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन है, ऑफिस बटन, ठीक है। ये टाइटल बार है, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट वन जो है ना, ये नाम है डॉक्यूमेंट का, नाम शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, और ये क्लोज का, कंट्रोल F10, ठीक है, कंट्रोल के साथ F10 दबाओगे तो ये हो जाएगा। शॉर्टकट बटन है, यहाँ से भी इसको कर सकते हो, ये देख लो, ठीक है। और ये यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लोज और मिनिमाइज को इसमें देख लेंगे, क्लोज को, ठीक है भाई, क्लोज नहीं करना है मेरे को, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये है स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार इस एरिया को बोलते हैं। जैसे ये देख लो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी ना, देखना मैं टाइप करना शुरू करूँगा तो ये पेन चलने लगेगा, ठीक है। ये देख लो, कुछ भी लिख रहा हूँ तो चल रहा है, ठीक है। अब रुक गया ये, यहाँ पे रुक गया, कट गया साइन, क्योंकि ये मैं कुछ कुछ गलत वर्ड लिखा हूँ इसलिए ये रुक गया, ठीक है। फिर से टाइप करना शुरू करूँगा तो पेन का साइन आ जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो स्टेटस रहता है वो यहाँ इस एरिया में दिखाई देता है। लैंग्वेज, ये लैंग्वेज दिखा रहा है, ठीक है। अब ये घूमने लगा, ये बता रहा है वर्ड, ठीक है, कितने वर्ड जो है टाइप हुए हैं, ये वर्ड काउंट है, ठीक है। ये बता रहा है कि पेज वन है, 3 वर्ड काउंट हुआ है, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, ठीक है। करेक्टर विद स्पेस इतना है, नो स्पेस इतना है, पैराग्राफ इतना है, लाइन इतना है, ठीक है, ये है। और ये बता रहा है पेज नंबर, जितने पेज नंबर पे मैं अभी हूँ, जैसे मैं कई ठो पेज बना लिया, ठीक है, तो अभी मैं 7वें पेज नंबर पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर चला गया तो ये 6वें पेज नंबर पे हूँ, ठीक है। मैं जिस पन्ने पे जाऊँगा उस पेज नंबर पे यहाँ पे ये दिखाई देगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब सामने वाला सबको क्लियर? हाँ सबको क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ से शुरुआत हम कर लेते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे रिसेंट जितना डॉक्यूमेंट ओपन होता है वो सब यहाँ पे दिखाई देता है, मैक्सिमम यहाँ पे 9 ठो दिखाई देता है, मतलब 9 ठो में नंबरिंग होता है, बाकी ऐसिंग होता है, ठीक। ये है, इससे नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ठीक है। क्लिक करूँगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ऐसा, फिर ये ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा और फिर इस पे जाके क्लिक कर दूँगा मैं, और जो है ये नया डॉक्यूमेंट बनके रेडी हो गया। ये डॉक्यूमेंट जो था ये दूसरा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे 1 लिखा है और ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिखा है, ठीक है। ये जो है डॉक्यूमेंट 2 बनके रेडी हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट बटन भी है, क्या है शॉर्टकट बटन? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल दबाऊंगा एन दबाऊंगा तो बन के रेडी हो गया, ये देख लो बन गया डॉक्यूमेंट 4 तक, ठीक है। तीसरा क्लोज हुआ, क्लोज कर दूँ, तीसरा चौथा हुआ था दूसरा, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ये ओपन, ओपन माने क्या, कोई भी जैसे पहले से बना बनाया है डॉक्यूमेंट्स कोई भी, ठीक है, तो पहले से बना बनाया डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो इस ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, जैसे मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ओपन किया, ओपन हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट बटन क्या है? कंट्रोल प्लस ओ, शॉर्टकट बटन सारा आप लोग याद रखना, ठीक है, एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है और रियल लाइफ में जब काम करने जाओगे तो भी काम आता है बहुत ज़्यादा। और शॉर्टकट की से जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे शॉर्टकट की का, उतना ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर चला पाओगे, ठीक है। तो कंट्रोल ओ शॉर्टकट बटन है, ठीक है,
कंट्रोल शिफ्ट F12। अच्छा है तो कंट्रोल F12, हाँ कंट्रोल F12 दबाओगे तो भी ओपन होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, कंट्रोल F12 से भी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल O से भी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना क्विक एक्सेस बार, यहाँ पे भी क्लिक करना तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी ओपन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये वाला सेव बटन, ठीक है। सेव इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+S, सेव का शॉर्टकट बटन Ctrl+S है, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट बटन भी है इसका Ctrl+S, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे पॉपअप, ठीक है, Ctrl+S दबाया है सेव करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा नाम, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है वो किस नाम से सेव होगा, ठीक है, वो नाम यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, जैसे MyDOC नाम मैं दे दिया। अब सेव मैं कहाँ पे करूँ, मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, डेस्कटॉप पे वो सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं वर्ड इज सेविंग, स्टेटस बार है तो दिखाई दे रहा है स्टेटस यहाँ पे, ठीक है। अब ये सेव हो गया, आप चाहूँ तो मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल ओ से कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, चाहे जैसे यहाँ पे मैं जो सेव किया ना वो कहाँ गया, ये देख लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, डबल क्लिक किया अब ये ओपन होना शुरू हो गया, ठीक है, ये इसमें टिक था, ओपन हो गया। अब इसमें हम कुछ और भी चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा के भी मैं सेव कर सकता हूँ, सेव कर दिया, कंट्रोल एस दबाया मैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया आके तो सेव हो गया है, ठीक है, शॉर्टकट बटन कंट्रोल एस है, ठीक है, क्लोज करूँगा, क्लोज हो गया वो, ठीक है, क्लिक किया ओपन हो गया, ठीक है। अब कोई डेटा इसमें नहीं है, जो टाइप किया था वो तो गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, क्योंकि मैं ओपन किया तो उसको डिलीट करके सारा कंटेनर डिलीट करके कंट्रोल एस दबा दिया था, यहाँ पे सेव कर दिया था ना, तो डिलीट हुआ फिर सेव हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे SEMANT, ठीक है, सेव कर दिया, कंट्रोल एस दबा देता हूँ, सेव हो गया, बंद कर दूंगा इसको, ठीक है। अब ये देखो आ गया यहाँ पे, अब डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आ गया, मैं डिलीट करके फिर से सेव कर देता हूँ, ठीक है, कंटेंट डिलीट कर दिया, यहाँ तक सबको क्लियर, क्लियर है ना, आगे चले या प्रैक्टिकल इतना करोगे बताओ, प्रैक्टिकल, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है, सेव एज से पूरा इसको ख़त्म कर देंगे कल, बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक, चलो सब लोग प्रैक्टिकल कर लो।